सीजन आने वाला है और सावन भी शुरू होने वाला है। आज हम बनाएंगे ऐसी मिठाई जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं बहुत ही आराम से, और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनके तैयार हो जाती है। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको घंटों गैस के पास बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध ले लिया है, और 2 लीटर दूध को मैंने यहाँ पे मतलब गर्म करके गैस को हम स्टेज पे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद एक नींबू का रस लेंगे और उसमें थोड़ा आधा गिलास पानी मिला देंगे, और दूध में तब तक मिलाते जाएंगे जब तक कि दूध हमारा पूरी तरीके से फट ना जाए। फटने के बाद देखिए दूध हमारा बिल्कुल फट चुका है प्रॉपर तरीके से। अब हम क्या करेंगे ना, इस स्टेज पे तो छनी रख के और उसके ऊपर कोई भी कॉटन का कपड़ा रख दीजिए, या फिर कॉटन का कपड़ा नहीं हो तो हैंगी रख दीजिए, पर हम छीने वाला जो हमारा पानी है वो पूरा का पूरा हम निचोड़ लेंगे। सारा छीना हम इस तरीके से स्क्वीज करके निकाल लेंगे, और इस तरह से हमारा सारा छीना निकल जाएगा। और इस पानी को आप पराठे या सब्जी में डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं। पनीर की सब्जी इससे बहुत अच्छी बनती है और पराठे तो बहुत टेस्टी बनते हैं। अब इसके बाद जो हमारा छीना निकला है, इसमें हम क्या करेंगे, पानी से इसको भी अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी खटास हो वो सारी की सारी इसमें से हट जाए। और इस तरीके से हम पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि हमारी बिल्कुल भी खट्टा ना रहे। और इसको धोने के बाद इसको सारे को कपड़े को इकट्ठा करके इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। सारा एक्सेस वाटर हम सारा इसमें से निकाल देंगे, और निकाल के बाद इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसको कोई रखना नहीं, हमें तुरंत ही प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। और प्लेट में ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको चम्मच की हेल्प से मतलब मैश कर देंगे। सारा सा जो छेना है ना उसको दबा के अच्छे से मैश कर देंगे ताकि उसमें कोई भी गुठलियां ना रहे और लम्स ना पड़े। इसके बाद मैंने यहाँ पे ना कंडेंस्ड मिल्क लिया है, 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, एक पूरा का पूरा डब्बा, 200 ग्राम का डब्बा में डाल देंगे, और इसमें जो हमारा छेना है उसको इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको गैस पे डाल देंगे, इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो जो कच्चापन है वो हट जाएगा। और ये 4 से 5 मिनट चलाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जो मिक्सचर है हमारा कढ़ाई छोड़ देगा। मतलब पहले ये ना बिल्कुल ढीला ढीला सा लगेगा आपको, और उसके बाद आप 2 मिनट चलाएंगे ना बिल्कुल साइड पे एक हो जाएगा। हमें ज्यादा इसको नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ढीला ही रखना है। ये सेट होने के बाद फिर टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्क्वायर टिन ले लिया है, आप कोई भी थाली है उसको ग्रीस करके ले सकते हैं, और इसमें बटर पेपर लगा लिया ताकि इसको निकालने में बहुत आसानी होती है। अदरवाइज आप थाली पे घी लगा के करेंगे ना तो भी हो जाएगा। और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, इक्वली हम पूरे को स्प्रेड कर देंगे। और इसको करने के बाद हम ना इसमें जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं, मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े से केसर के स्ट्रेंथ से इसको गार्निश कर दिया है। इसको 6 से 7 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए रख देंगे, और ये सेट हो गया हमारा। 6 से 7 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला, और इसके बाद ये देखिए बिल्कुल एकदम टाइट हो चुका है, मतलब जैसे हमारा कलाकंद का टेक्सचर हो जाए बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसको चाकू की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से इसको स्क्वायर शेप में कट कर दीजिए, और ये देखिए हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम टेक्सचर बन के तैयार है। 15 मिनट लगते हैं इस मिठाई को बनाने में, और ये बिल्कुल मार्केट जैसे बन के तैयार हो जाती है। थोड़े से पिस्ता से इसको गार्निश कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक करना ना भूलें।